माना तुम्हारे जीवन में रुकावटों के पहाड़ आते हैं, माना तुम्हारे जीवन में रुकावटों के पहाड़ आते हैं, पर अपने साथ वो ऊंची छलांग मारने के मौके भी लाते हैं। अब ये तुम पर है, अब ये तुम पर है कि डर के तुम घुटने झुकाओगे या चुनौतियों के सर चढ़कर आसमान छू जाओगे। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, फिर से हाजिर हैं आपकी गुरु मां रुक्मणी आपको आपका मई महीने का राशिफल बताने के लिए। क्या क्या घटनाएं आपके साथ होंगी, ग्रह किस ओर को गोचर करेंगे, आप पर क्या प्रभाव डालेंगे और क्या उपाय इस महीने आपने करना है ताकि जीवन आपका सुचारू रूप से चलता रहे, सारी बातें बताऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जान लेते हैं मई महीने में कौन से व्रत त्योहार आ रहे हैं। 4 मई को वारुथनी एकादशी रहेगी, 16 मई को सीता नवमी है, 19 मई को मोहिनी एकादशी है, 21 मई को नरसिम्हा जयंती यानी कि नरसिंह भगवान की जन्मोत्सव है, 23 मई को बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाएगी, 24 मई को नारद जयंती है। ये जो राशिफल है आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, जन्म कुंडली अनुसार अपनी जो सटीक राशि है उसके हिसाब से ही देखिए। नहीं पता आपकी राशि कौन सी है तो फिर उस स्थिति में नाम राशि से भी आप देख सकते हैं। ये जो राशिफल है ज्योतिष की गणनाओं पर आधारित है और मुझे जो भी इंट्यूशन भगवान से प्राप्त होते हैं, जो भी आभास लगते हैं उसके हिसाब से मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। लाखों लोगों के लिए राशिफल है, बहुत सारे लोगों के लिए मैसेजेस इसमें है, तो आपसे जो भी मेल खाए उसको रखें, जो मेल नहीं खा रहा उसको जाने दीजिए। चलिए पहले एक नजर डाल लेंगे हमारे ग्रहों पर, कौन सा मई महीने में कौन सा ग्रह किधर गोचर कर रहा है उसके हिसाब से जानेंगे हमारे जीवन पे वो क्या प्रभाव डालने वाले हैं। सूर्य जो है वो 14 मई को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, चंद्रमा जो है महीने की शुरुआत में मकर राशि में बने रहेंगे और अंत में ये गोचर करते हुए मीन राशि तक प्रवेश कर जाएंगे। मंगल जो है इस महीने मीन राशि में ही बने रहेंगे, बुध जो है 10 मई को मेष राशि में आएंगे और 31 मई को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति का मेजर ट्रांजिट यहाँ पर हो रहा है 1 मई को वृषभ राशि में, लगभग 12 साल बाद बृहस्पति जो है वो वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे 1 मई को। शुक्र जो है 19 मई को वृषभ राशि में ये भी प्रवेश कर जाएंगे और शनि कुंभ राशि में बने रहेंगे, राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में बने रहेंगे। एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष हमारे लिए कमाने की विद्या नहीं है, सेवा की विद्या है। इसी भाव से हर गुरुवार हम सिद्ध दरबार लगाते हैं जहां निशुल्क हम आपकी जन्म कुंडली देखते हैं। जन्म कुंडली देख करके आपके बारे में ऐसी बातें बताते हैं जो कि आपको दंग कर देती हैं। ये हमारा कुछ नहीं है, हमारे गुरुदेव की कृपा है, हमारे इष्ट भगवान श्री शनिदेव की हम पर कृपा है, नवग्रह देवताओं की कृपा है जिसके कारण हम आपको बता पाते हैं, चाहे यूट्यूब पर राशिफल के माध्यम से बताएं, चाहे आप हमसे मिलने आए तब बताएं। मिथुन राशि वालों, चलिए जानते हैं मई का महीना आपके लिए क्या लेकर के आएगा। मई के महीने में आपको ऐसी फीलिंग हो सकती है कि आपके साथ बार बार एक ही तरह की घटना होती रहती है। आपका जो रूटीन है, पहले तो उस रूटीन से आप काफी बोर होने वाले हैं। आपका मन करेगा इस समय में कि ज्यादा सोएं, ज्यादा रेस्ट करें, लेकिन आपको वो रेस्ट मिल नहीं पाएगा और कहीं ना कहीं जो खर्चे हैं, खर्चे भी जैसे रिपीट हो के आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है ये कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका फोन कहीं गिर जाता है, टूट जाता है, तो मई के महीने में अभी अभी तो आपने ठीक कराया है, अभी तो उसमें कुछ प्रॉब्लम हुई थी, मई के महीने में फिर वही प्रॉब्लम हो गई, तो ऐसी कोई रिपीटेड घटना आपके साथ हो सकती है जो अभी हो करके चुकी है और अभी दोबारा वही चीज हो रही है। तो एक सर्कल सा दिखाई दे रहा है, काम में भी ऐसी दिख रहा है, खर्चों में भी ऐसी दिख रहा है, तो कुछ एक सर्कल सा आपका चल रहा है, तो उस सर्कल को मई के महीने में आपको तोड़ना होगा, आपको खुद ही उससे बाहर निकलना होगा। और थोड़ा सा रेस्ट की कमी मुझे मई के महीने में दिख रही है कि आप रेस्ट करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाएंगे। आपको काफी सारे लोग ऐसे नींद से झूलते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप लड़ रहे हैं अपनी नींद से, नींद पूरी नहीं हो रही है, थकान रह रही है, लेकिन आप उससे फाइट कर रहे हैं और अल्टीमेटली क्या फाइट करते रहेंगे तो आप उसको जीत भी लेंगे। इस समय में जो है अगर हम रिलेशनशिप की या फैमिली लाइफ की बात करें तो उसमें शांति बनी रहेगी, ऐसा कोई मेजर कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। और घर में आप काफी सारे काम करते दिखाई दे रहे हैं, चाहे आप वर्किंग है चाहे नॉन वर्किंग है, घर में काफी सारे काम आपके होंगे और काफी सारे काम आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं जो कि जल्दी से आप कर लेंगे।
इस समय में कोई भी व्यक्ति अगर आपको कुछ कहने की कोशिश करेगा तो आप उसको चुप करा देंगे। आपके अंदर इतनी शक्ति होगी कि आप किसी से भी फालतू ना तो बोलेंगे ना तो सुनेंगे। तो मई के महीने में कोई ऐसी लेडीज ऐसा दिखाई दे रही है जो आपको कुछ फालतू बोलने का प्रयास करें और आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में ही उनके स्टार्ट करते ही आप उनको चुप करा रहे हैं, तो ऐसा कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। बात करें आपके बिजनेस की, तो बिजनेसमैन अगर आप हैं या बिजनेस वुमेन आप हैं तो उस स्थिति में क्या है कि आपको कहीं ट्रैवल करना पड़ सकता है, कहीं जाना पड़ सकता है अपना सामान खरीदने के लिए। तो या तो आप कुछ नया लेके आ रहे हैं या आपका सामान खत्म हो गया है या आप कुछ सोच रहे हैं कुछ नया करने का, तो सामान लाते हुए मुझे काफी लोग दिखाई दे रहे हैं। आपके रिश्तेदार और आपकी फैमिली कहीं पे जाते हुए चाय पीते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो आपके रिश्ते की बात हो सकती है, अरेंज मैरिज भी करना चाहते हैं तो आपको कोई पसंद आएगा और आप उनको देखने जा सकते हैं या वो आपके घर आ सकते हैं आपको देखने के लिए। तो कुछ रिश्तेदार बैठ करके चाय पीते हुए, कुछ आपके रिलेशनशिप को लेकर के डिस्कशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो लोग अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, मई का महीना उनके अकेलेपन को दूर कर देगा। या आपको कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी मिलेगी, कोई आप कोई गेम ऐसा खेल सकते हैं या आप किसी से मिल सकते हैं या आप कुछ ऐसा कुछ देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब आप अपने अकेलेपन को खत्म कर रहे हैं। आपको इस मई के महीने में ऐसा लगेगा जैसे आपको किसी की भी जरूरत नहीं है, आप अपने लिए पूर्ण है, अपने लिए सफिशियंट है, ऐसी फीलिंग आपको आएगी। तो आपका ध्यान जो अभी बहुत नेगेटिव हो रहा था कि अरे हमें कोई पूछता नहीं है, हमारे साथ कोई नहीं है, अकेलापन सा लगता है, तो उस अकेलेपन को आप फिर अपने हिसाब से ही रिफिल करते हुए और दूसरों पे डिपेंड ना होते हुए स्वयं पे ही निर्भर होते हुए इस समय में दिखाई दे रहे हैं, तो आप खुश रहेंगे। भक्त को हमने क्या बताया और उसके बाद वो कैसे हैरान हुए, चलिए जानते हैं। मेरा नाम रितु है, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मैं गुरु माँ का राशिफल देखती हूँ, वीकली जो होता है और मंथली भी। जो भी गुरु माँ बताती है ना वो 100% एकदम सच होता है। गुरु माँ ने लास्ट टाइम बोला था कि मेरी राशि के अनुसार कि मेरे नेल्स टूट जाएंगे, सच में मेरे नेल्स टूट गए हैं, और जो भी बोलती है ना वो हमेशा ही सच होता है। आज मैं फर्स्ट टाइम गुरु माँ के दरबार में, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। पिछले 2 वर्षों से गुरु माँ का यूट्यूब चैनल ग्रहों की बात देखता आ रहा हूँ। मेरा वृषभ राशि नाम राशि से 105% मैच होता है और गुरु माँ के दरबार जनता दरबार हर गुरुवार को लगता है। इसके बारे में और गुरु माँ के दया के बारे में क्या कहना, अगर कुछ कहा जाए तो वह अतिशयोक्ति होगी। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि हर भक्त एक बार अवश्य नारियल लेकर गुरु माँ के दरबार में अपनी हाजिर लगाएं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। यहाँ दूसरी बार मैं आया हूँ। जब से माँ ने हमें बताया कि आप ये पूजन व्यवस्था करो, मुझे हर तरह से सुख शांति मिली। और इस बार उन्होंने बताया जो मेरे बारे में कि मेरी 100% लगभग व्यवस्था सही हो गई है और जो पूजन बताया है मैं उस पूजन को कर रहा हूँ। मुझे बहुत फायदा हुआ है, बहुत सुख शांति मिली है। इसीलिए मेरा सबसे यही अनुरोध है कि एक बार जनता दरबार में वेस्ट पटेल नगर अवश्य हाजिरी लगाएं। इस समय में कोई गलत डिसीजन आप लेते लेते बच जाएंगे, आपको बिल्कुल ऐसा ले लेंगे आप उस डिसीजन को, लेकिन फिर उसको वापस अपने पैर को खींच लेंगे, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। तो आप सोच समझ के ही कोई निर्णय लीजिए। इस समय में अगर आपके बच्चे हैं और बच्चे कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उनसे काफी लोग जो है वो जल सकते हैं, तो आप उनको काफी प्रोटेक्टेड रखेंगे। और मेरा तो एडवाइस यही रहेगा कि जब तक उनका काम पूरा ना हो जाए तो आप किसी को भी मत बताइए, क्योंकि दूसरे लोगों को बताने से कई बार नजर लग जाती है। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो काफी जलते हैं और आपको पता भी नहीं है, वो बहुत छुपे हुए से लग रहे हैं। तो इससे बेटर है कि आप अपनी खुशी जब तक कि कंप्लीट नहीं हो जाती है बच्चों के रिगार्डिंग में उनको शेयर ना करें। इस समय अगर आप अपनी हेयर ग्रोथ के लिए कुछ करना चाहते हैं, बाल ज्यादा झड़ रहे हैं, आपके बालों में ग्रोथ कम हो रहा है, स्लो हो रहा है, तो मई का महीना में आपकी हेयर ग्रोथ काफी हो सकती है। या अगर बाल काफी झड़ रहे थे वो भी स्टॉप हो सकता है, हो सकता है कोई नया प्रोडक्ट मिल जाए आपको, या मुझे तो कोई नुस्खा लग रहा है जैसे दादी माँ का, नानी माँ का कोई पुराना नुस्खा आपको मिल जाए, उसको आप यूज करें, वो आपके लिए वर्क कर जाए, तो ये ऐसा कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट इस समय में करना चाहते हैं तो रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। या कुछ बनाने में भी, आप अपने घर को रेनोवेट करने में या फिर कुछ बनाने में या अपने बिजनेस में, मतलब किसी चीज की क्रिएशन में आप इन्वेस्ट करते हुए इस समय में दिखाई दे रहे हैं। अगर इस महीने कहीं अटकते हैं तो अपने पितरों को याद कीजिए, या अगर आपका फैमिली बिजनेस है तो आपके कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो आपके फोर फादर्स जो थे या आपके फादर या उनके फादर किस तरीके से इस प्रॉब्लम को डील करते थे, अगर आप उसके बारे में थोड़ा खोजबीन करेंगे तो आपके लिए काफी बेटर रिजल्ट्स आ जाएंगे।
यंग गर्ल्स जो हैं मिथुन राशि की, कुछ पिंक कलर का खरीदते हुए इस समय कोई ड्रेस दिखाई दे रही हैं, कुछ शाइनी सा, कुछ पिंक कलर का, कुछ गोल्ड मिक्स पिंक आप इस समय कुछ खरीद सकते हैं। हेल्थ की बात करें तो मेजरली ठीक ही रहेगी, थोड़ा सा मन में थोड़ा सा बेचैनी रह सकती है और थोड़ा सा आपको अनमना सा लग सकता है, अनईजी लग सकता है, मे बी शायद आपके स्टमक की वजह से आपको अनईजी लग रहा है। बहुत ज्यादा मैं आपको आंखें ऐसे करते हुए देख रही हूँ, तो आपको स्टमक की वजह से अनईजी लग रहा है, मे बी आपको कुछ खाना सूट नहीं कर रहा है या आपका मौसम चेंज हुआ तो वो सूट नहीं कर रहा है, कुछ अनईजी आपके स्टमक में है जिसकी वजह से आप पूरा ही मतलब अनईजी से आपको लगेगा, थोड़ा वॉमिटिंग जैसा फीलिंग आपको रह सकता है, तो अपने डाइट पे थोड़ा कंट्रोल करके चलेंगे। चलिए अब इस महीने का उपाय बताते हैं, क्योंकि बृहस्पति जो है वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, बृहस्पति जो है सबसे बड़े ग्रह हैं, तो जब ही भी चेंज होंगे, नॉर्मली तो ऐसा है कि आपकी जन्म कुंडली में टू नंबर जहां पे भी है, वृषभ राशि जहां भी पड़ती है, उनके चेंज होते ही वहां उस एरिया में प्रभाव होने लगेगा। क्या क्या प्रभाव होगा मैंने राशिफल में आपको बता ही दिया है। अब अगर वो प्रभाव अच्छा नहीं आ रहा है तो उसको कैसे आप बैलेंस में लेके आए, 1 मई को क्योंकि ये जो है राशि परिवर्तन कर लेंगे, तो उपाय उससे पहले से ही आप स्टार्ट कर लीजिए, और मई के महीने में अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो उसमें भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपने 2-3 काम करने हैं, 2-3 ऑप्शन दे रहे हैं, उसमें से जो भी आपको फिजिबल लगे, जो भी आपको लगे कर सकते हैं उसे कर लीजिएगा। एक तो मंदिर में आप दान देना शुरू करें, गुरुवार के गुरुवार पंडित जी को मंदिर में, लेकिन ऐसी कोई चीज़ दें जो मंदिर के काम आए, या तो अगर आप मान लीजिए आपके पास इतना धन नहीं है कि आप ऐसा कोई चीज़ दे सकें, तो आप अपने श्रम की सेवा भी दे सकते हैं, यानी कि सुबह उठे जा कर के आपने मंदिर की सफाई कर दी, वहाँ झाड़ू लगा दी, वहाँ किसी एक दिन की आपने सेवा कर दी, थर्सडे को कोशिश करिए ज़रूर आपकी सेवा हो, डेली भी कर सकते हैं। श्रम की सेवा के अलावा मंदिर में जो भी उपयोगी सामान है, जैसे भगवान जी की ड्रेस बनवा दी, जोत बत्ती दे दी, घी का आपने डब्बा दे दिया, इस प्रकार के जहाँ डेली मंदिर में वो चीज़ यूज़ हो सके उसको दीजिए। आप भंडारे में भी सहयोग कर सकते हैं, आप या तो भंडारे का आयोजन कर लीजिए वीरवार वीरवार, बृहस्पतिवार नहीं कर सकें तो जितना भी कम कर सकें, जो भी अपने हाथ से बना के आप कुछ लोगों में बांट सकें तो उनको दीजिएगा। पंडितों को भोज कराना बृहस्पति के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, तो साधुओं को, पंडितों को आप भोग लगा सकते हैं, उनको खिलवा सकते हैं, या फिर भंडारे का आयोजन कर सकते हैं जहाँ बहुत सारे लोग खाना खा लें। इसके अलावा आप किसी भी पंडित जी को जो ब्राह्मण हैं और वो मंदिर की सेवा करते हैं या पूजा पाठ से जुड़े हुए हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, उनके यहाँ कुछ भी दान कर सकते हैं, पंडित जी को वस्त्र दे सकते हैं, उनके उपयोगी कोई सामान दे सकते हैं, या फिर अगर आपको इतना सौभाग्य मिल जाए कि उनकी पुत्री का विवाह हो, लड़की का विवाह हो, तो उसमें भी अगर आप कुछ सहयोग करेंगे तो ऐसे में भी बृहस्पति बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो इनमें से जो भी उपाय आपके लिए आसान हो आप उसको करिए, तो अवश्य ही बृहस्पति देवता आपसे प्रसन्न होंगे, उनका जो ट्रांजिट है, जो गोचर है, आपको अच्छा फल करने लगेगा, आपकी सभी समस्याओं को दूर करेगा। आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं, मई का महीना आपके लिए बहुत सुखद जाए, भगवान जी आपके सारे कष्ट दूर कर दें, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा।